हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस देखने वाले हैं। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच आर्टरी सप्लाइज द स्टमक विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कैरोटिड आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, सेलियक आर्टरी, सेफेलिक आर्टरी। आर्टरी सप्लाइज द स्टमक विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है स्टमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड? तो ये होती है सेलियक आर्टरी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सेलियक आर्टरी सप्लाइज द स्टमक विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से अराइज होती है सेलियक आर्टरी? तो इट अराइजेस फ्रॉम एओटा। एब्डोमिनल एओटा से अराइज होती है सेलियक आर्टरी। एंड ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टमक, लीवर, स्प्लीन, देन पैनक्रियाज, देन डुओडेनम। इन सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है सेलियक आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी, तो कैरोटिड आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑर्गन्स इन हेड एंड नेक। देन अभी आप मुझे बताएंगे नैरोइंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज। क्या बोलते हैं नैरोइंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरीज को? तो इसे बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस इज नैरोइंग ऑफ द कैरोटिड आर्टरी। देन सेफेलिक आर्टरी, तो ये होती है सेफेलिक वेन। सुपरफेशियल वेन इन द आर्म इज सेफेलिक वेन। सभी आर्टरीज कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, प्योर ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड सभी वेन्स कैरी करती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कैरी करती है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन इज थाइमस, थायरॉइड ग्लैंड, बोन मैरो, पैराथायरॉइड। कौन सा होता है साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन? तो ये होता है थाइमस। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साइट ऑफ टी सेल मैच्यूरेशन इज थाइमस। टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द थाइमस ग्लैंड। देन अभी आप मुझे बताएंगे द ग्लैंड विच इन रिलेशन टू बॉडी साइज इज लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी। कौन सी ग्लैंड होती है लार्जेस्ट एट बर्थ एंड देन ग्रेजुअली श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी? तो ये भी होता है थाइमस। वंस यू रीच प्यूबर्टी द थाइमस स्टार्ट्स टू स्लोली श्रिंक एंड रिप्लेस्ड बाय फैट्स। ठीक है, थायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? तो थ्रोट में प्रेजेंट होती है थायरॉइड ग्लैंड। एच शेप्ड बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है थायरॉइड ग्लैंड। क्या सिक्रिट करती है? तो T4 थायरोक्सिन, T3 ट्रायोडोथायरोनिन, कैल्सिटोनिन, ये सभी हॉर्मोन सिक्रिट होते हैं थायरॉइड ग्लैंड से। इसमें से जो थायरोक्सिन होता है T4 होता है वो स्टिम्युलेट कराता है ग्रोथ हॉर्मोन। देन ये जरूरी होता है डाइजेशन के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए। देन T3 ट्रायोडोथायरोनिन रिक्वायर्ड होता है बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल के लिए एंड हार्ट रेट कंट्रोल के लिए। कैल्सिटोनिन, कैल्शियम लेवल इन ब्लड इज मेंटेन बाय कैल्सिटोनिन। पैराथायरॉइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होती है? तो पैराथायरॉइड ग्लैंड लोकेटेड एट द पोस्टेरियर वॉल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। क्या सिक्रिट करती है? तो पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन इज सिक्रिटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। क्या होता है फंक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन? तो कैल्शियम मेंटेन करता है व्हेन ब्लड कैल्शियम इज ड्रॉप्ड। व्हेन ब्लड कैल्शियम लेवल इज ड्रॉप, कैल्शियम मेंटेनेंस का काम करता है पैराथॉर्मोन। बोन मैरो, RBCs are produced in bone marrow. Next question. Pacemaker is present in left atrium, left ventricle, right atrium, right ventricle. कहाँ पे present होता है pacemaker? तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे pacemaker of heart क्या होता है? तो pacemaker of heart is SA node. Sinoatrial node is pacemaker of heart. Present होता है right atrium में. Option C will be your correct answer. SA नोड होता है, sinoatrial नोड होता है pacemaker of heart and it is located in right atrium. Then क्या आप में से कोई बता सकता है the normal rhythmical impulse is generated from which point in the conductive system of heart? कहाँ से जनरेट होते हैं normal rhythmical impulses? तो ये जनरेट होते हैं SA नोड से, sinoatrial नोड से। Then coronary sinus opens into, तो ये भी होता है right atrium. Coronary sinus opens into right atrium. Next question. हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द किडनी, मेलाटोनिन, इंसुलिन, एरिथ्रोपोएटिन, कैल्सिटोनिन। कौन से हॉर्मोन्स सिक्रेट होते हैं बाय द किडनी? तो ये होता है एरिथ्रोपोएटिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
एरिथ्रोपोएटिन इज सिक्रेटेड बाय द किडनी। एरिथ्रोपोएटिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन एंड इट इज सिंथेसाइज्ड इन द किडनी। किडनी के जो पेरिट्यूबुलर सेल्स होते हैं वो सिक्रेट करते हैं एरिथ्रोपोएटिन। क्या फंक्शन होता है एरिथ्रोपोएटिन का? तो एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय एरिथ्रोपोएटिन। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज बाय द बोन मैरो। देन अभी आप मुझे बताएंगे रेनिन ए प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड इन। कहाँ पे प्रोड्यूस्ड होता है रेनिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी प्रोड्यूस्ड होता है किडनी में। रेनिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी। मेलाटोनिन क्या है? कहाँ से सिक्रेट होता है मेलाटोनिन? तो मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज थर्ड आई। कहाँ पे सिचुएटेड होती है? तो ये पी साइज ग्लैंड होती है सिचुएटेड डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन। क्या होता है इसका मेजर फंक्शन? तो बॉडी के बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करती है पीनियल ग्लैंड। इट रेगुलेट्स डे एंड नाइट साइकल्स। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन सीक्रेट होता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास से। अल्फा सेल से क्या सीक्रेट होता है पैनक्रियास के? ग्लूकागॉन, डेल्टा, सोमेटोस्टैटिन। कैल्सिटोनिन, तो कैल्सिटोनिन इज सीक्रेटेड बाय थायरॉइड ग्लैंड। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेटिंग कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये डिक्रीज कराता है कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अभी आप मुझे बताएंगे कौन सी सेल्स प्रोड्यूस कराती है कैल्सिटोनिन? तो सी सेल्स इन द थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूस कैल्सिटोनिन। सी सेल्स, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सी सेल्स इन थायरॉइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बो जॉइंट इज फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जॉइंट के कौन से टाइप में आता है एल्बो जॉइंट? तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, ये होते हैं हिंज जॉइंट। एंड हिंज जॉइंट आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स में। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट आते हैं हिंज जॉइंट में, एंड हिंज जॉइंट आता है साइनोवियल जॉइंट में। साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। इसमें आते हैं हिंज जॉइंट, देन ग्लाइडिंग जॉइंट, देन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, देन सैडल जॉइंट, पिवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। ये सभी जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स कौन से होते हैं? तो ये होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। इनमें आते हैं टीथ इन सॉकेट्स एंड बोन्स ऑफ स्कल। बोन्स ऑफ स्कल एंड टीथ इन सॉकेट होते हैं फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट, तो ये होते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट। अभी आप मुझे बताएंगे थंब में कौन सा जॉइंट होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज थंब? तो ये होता है सैडल जॉइंट। देन रिस्ट जॉइंट, तो रिस्ट जॉइंट होता है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन इज द फंक्शन ऑफ विच सबसेलुलर ऑर्गेनेल? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स। इनमें से किसका फंक्शन होता है डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन? तो ये फंक्शन होता है न्यूक्लियस का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन विच इज द हेवीएस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल? सेल का सबसे हेवीएस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है? तो ये भी होता है न्यूक्लियस। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? तो इन्हें बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। विच सेलुलर ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सुसाइडल बैग्स? तो ये होते हैं लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेम्ब्रेन इन द ईयर दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, नन। मेम्ब्रेन इन द ईयर दैट वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड, तो ये होते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईयर ड्रम एंड ये वाइब्रेट होती है टू प्रोड्यूस साउंड। देन अभी आप मुझे बताएंगे द क्रैनियल नर्व कनेक्टेड टू द ईयर इज? कौन सी क्रैनियल नर्व होती है कनेक्टेड टू द ईयर? तो ये होती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑडिटरी नर्व। एट क्रैनियल नर्व होती है ये ऑडिटरी नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व, एंड ये होती है रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर्स, वॉलंटरी कंट्रोल, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाय, तो ये होता है पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर्स। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यूरिन इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लैडर बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरेटर्स। देन यूरिया सिंथेसिस कहाँ पे होता है? सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑकर्स इन, तो ये होता है लीवर में। सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑकर्स इन लीवर।
देन एग्जाम्पल ऑफ स्मूथ मसल तो ये होता है ब्लैडर. देन डिट्रेसर मसल इज प्रेजेंट इन, तो ये भी होता है यूरिनरी ब्लैडर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डिट्रेसर मसल इज प्रेजेंट इन यूरिनरी ब्लैडर. देन सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ, क्या होता है सिस्टाइटिस, तो ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन दिस ऑकर्स, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, मेनोपॉज. क्या होता है व्हेन ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, तो इसे बोलते हैं मेनोपॉज. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. व्हेन ओवरीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन मेनोपॉज ऑकर्स. ये एस्ट्रोजन होता है फीमेल सेक्स हॉर्मोन. कौन सीक्रेट करता है, ओवरीज सीक्रेट करती है. ये स्टेरॉयडल हार्मोन होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. देन इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इसे यूज करते हैं एज हॉर्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनोपॉज. ठीक है, देन अभी आप मुझे बताएंगे द रिलीज ऑफ लूटिनाइजिंग हॉर्मोन इन वुमन कॉजेस. क्या कॉज कराता है रिलीज ऑफ लूटिनाइजिंग हॉर्मोन, तो ये कॉज कराता है ओव्यूलेशन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, द रिलीज ऑफ लूटिनाइजिंग हॉर्मोन इन वुमन कॉजेस ओव्यूलेशन एंड लूटिनाइजिंग हॉर्मोन इज सीक्रेटेड बाय द एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एट टेम्परेचर दैट इज हायर देन बॉडी टेम्परेचर, इमटेरियल, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, द सेम एज बॉडी टेम्परेचर. तो स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एट टेम्परेचर दैट इज लोअर देन बॉडी टेम्परेचर. ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर. Sperms are produced at a temperature that is lower than body temperature. Then where is the maturation of sperms occurs? कहाँ पे होता है maturation of sperms? तो ये होता है epididymis. Maturation of sperms occurs in epididymis. Next question. The contractions of uterus are stimulated by the production of oxytocin, vasopressin, prolactin, melanin. तो इनमें से किसका production stimulate कराता है contractions of uterus? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है. ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कराता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस. ऑक्सीटोसिन होता है नोना पेप्टाइड. ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमाइनो एसिड्स इज ऑक्सीटोसिन. कहाँ से सीक्रेट होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी से. किस लिए रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीटोसिन की, तो इट इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिल्क. देन इट ऑल्सो कॉजेस ऑगमेंटेशन ऑफ लेबर. देन विच ड्रग इज यूज इन यूटेरिन इनर्शिया, तो ये भी होता है ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन इज यूटेरिन स्टिमुलेंट दैट इज मेनली इंड्यूस यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड हेल्प्स इन लेबर. ठीक है, वैसोप्रेसिन एंटी डायुरेटिक हॉर्मोन होता है. ये भी नोना पेप्टाइड होता है सीक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी. ये डिक्रीज कराता है वाटर एक्सक्रीशन बाय द किडनीज बाय इंक्रीजिंग वाटर रीएब्सॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग डक्ट्स. Vasopressin decreases water excretion by the kidneys by increasing water reabsorption in the collecting ducts. ठीक है, what is prolactin? तो hormone involved in the secretion and regulation of milk is prolactin. कहाँ से secrete होता है, anterior pituitary से. Then which drug increases the secretion of prolactin? तो chlorpromazine therapy increase कराती है secretion of prolactin. Most typical antipsychotic increase कराते हैं level of prolactin. ठीक है, मेलानिन नेचुरल स्किन पिगमेंट होता है मेलानिन एंड इसे डिराइव करते हैं फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड. ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.